नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार के लोगों को बहुत जल्द एक और चिड़ियाघर की सौगात मिलेगी। बिहार में अब तक मात्र एक चिड़ियाघर है जो कि पटना में बरसों पहले से स्थापित है, लेकिन बहुत जल्द प्रदेश को दूसरा और पटना जैसा ही एक और चिड़ियाघर मिलने जा रहा है। इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। इसकी घोषणा खुद बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने की है। उन्होंने बताया कि राज्य में दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिले के रानीगंज में बनेगा। बिहार विधानसभा में पेश वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 7,337.75 करोड़ रुपए के बजटीय मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राजधानी पटना में राज्य के एकमात्र चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद रानीगंज में यह प्रदेश का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा जो निवासी एकड़ भूमि पर फैला होगा। इसके साथ ही नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। प्रदेश के कुछ स्थानों में बंदरों की संख्या को देखते हुए रानीगंज में 10 एकड़ भूमि में बंदर घर का भी निर्माण किया जाएगा। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हम इन बंदर घर में बंदरों के खाने के लिए फलदायक वृक्ष भी लगाएंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 2021-22 के दौरान 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष 2,57,00,000 पौधे लगाए गए हैं। राज्य में 2009 से अब तक में 30 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर अहम पहल किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राजगीर में मार्च के बाद राज्य का पहला जू सफारी चालू हो जाएगा। इसके अलावा वीरपुर झील को पर्यटन केंद्र, राज्य में मौजूद सभी आर्द्र भूमि वाले स्थानों का संरक्षण करके उन्हें इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अलग रणनीति तैयार की है। वाल्मीकि नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे संजय गांधी वन्य प्राणी और प्राणी उद्यान या फिर पटना जू के नाम से जाना जाता है, यह पहली बार 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने बाग के लिए गवर्नर हाउस परिसर से लगभग 34 एकड़ भूमि प्रदान की थी। इसके बाद 1972 में लोक निर्माण ने इसमें 58.2 एकड़ जमीन और जोड़ दिया। इसके बाद राजस्व विभाग ने इस पार्क के विस्तार करने में मदद करने की और उसके लिए 60.75 एकड़ वन विभाग की ओर से हस्तांतरित किया गया। इसके उपरांत 1973 में यह पार्क एक जैविक उद्यान बन गया। इसे आमजनों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिग्रहित भूमि और राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च 1983 को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया। आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु के सपनों की नगरी के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र, यानी कि अररिया का वो इलाका जिसमें अब वृक्ष वाटिका एक धरोहर के रूप में विकसित हो रहा है। रानीगंज वृक्ष वाटिका जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पूर्णिया फारबिसगंज NH-77 के पूर्व किनारे हसनपुर पंचायत के बालूधीमा गांव में है। यह स्थल बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि है। रानीगंज वृक्ष वाटिका क्षेत्र को पूर्व में हसनपुर बालूधीमा के नाम से जाना जाता था। 289 एकड़ में फैले इस क्षेत्र को प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। करीब 2008 में तत्कालीन मंत्री रामजी दास ऋषिदेव ने वृक्ष वाटिका उद्घाटन किया था। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वट वृक्ष वाटिका का विजिट किया था। सैकड़ों एकड़ में फैली वट वृक्ष वाटिका में सभी तरह के पौधे लगे हैं। इसमें वर्तमान में 8 हिरण, 32 अजगर, 2 सांभर, बियर, दर्जनों नस्लों की प्रजाति, पक्षियों आदि का बसेरा है। रानीगंज वृक्ष वाटिका अब चिड़ियाघर के रूप में बनकर तैयार हो जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।